بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Welcome to my English class. Your teacher Miss Fatima here. Assalamu alaikum students, hope you'll be well. So aaj hum karenge ek naya apna unit and that is unit number 8, lumber room. Lumber means storeroom, a place where you keep your extra stuff. लाइक जिससे हम अपने घर में हमारे एक स्टोर रूम होता है, एक फ्री रूम होता है, जिसमें हम कोई भी अपनी फालतू चीज़ें जो हम यूज़ नहीं करते हम कलेक्ट करके रखते हैं. दैट्स कॉल्ड द स्टोर रूम, द लंबर रूम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वर्ड मीनिंग्स. फर्स्ट, आंट बाय असर्शन, द लेडी हु कॉल्ड हरसेल्फ हिज आंट. यानी कि आंट का मतलब खाला किसी रिश्ते से, यानी कि कोई भी खाला या किसी भी किस्म जो मटर्नल या पैटर्नल रिश्ते होते हैं आंटी के, उसको जो है वो आंट कहते हैं, यानी कि खाला पप्पी वगैरह. Depravity. Depravity is sinfulness, यानी कि कोई भी किस्म का गुनाह या जुर्म वगैरह. ठीक है. Discernment, the ability to tell whether something is good or bad, to see clearly. यानी कि ऐसी सलाहियत, ability, जिससे आपको ये, जिसको भी ये पता चलने के काबिल हो कि समझ जो कोई चीज़ है वो अच्छी है या बुरी है. Forfeited, lost the right to do something, go to the seaside because of his crime. Forfeited का मतलब होता है यानी किसी भी चीज़ को करने का हक छीन लेना या उसका हक खो देना. जस्ट लाइक द स्टोरी में जो है, द स्टोरी ऑफ अ नॉटी बॉय, और उसके साथ जैसे हुआ था कि बिकॉज ऑफ डिसग्रेस सब में जो है वो उसको ले जाना नहीं चाहता जब वो एक सैंड पे जा रहे थे, सैंड बॉक पे, तो इसलिए उसका भी राइट जो है वो छीन लिया गया था, फॉरफीट कर दिया गया था उस पर से कि वो कहीं घूमने जा सकता उनके साथ. Germinated is grown, यानी कि grown मतलब नशोनुमा, grow होना. Goblin, mischievous, ugly demon. Goblin is mischievous, mischievous कहते हैं naughty को, और ugly demon यानी कि बदसूरत सी बदरू. Illumination is light. Improvise, make up something quickly. Make up quickly something का मतलब होता है कोई भी चीज़ की decision ले लेना there and then, कि किसी चीज़ के लिए हमें क्या करना है. In a tight corner, in a dangerous position, you're trapped. इसका मतलब यानी कि कोई भी डेंजरस किस्म की पोजीशन या ट्रैप हो जाना, फंस जाना. कीप टू हील, कीप अंडर कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल में रहना. ऑब्स्टिनेसी, स्टबननेस, यानी कि जिद्दी. ओवर इंजल्ज इन, एंजॉय टू मच, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट करना. पार्ट टेकन, ईटन, टेकन अ शेयर इन. पार्ट टेकन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में अपना हिस्सा लेना. प्यूरिटिव इज मेन टू इन्फ्लिक्ट पनिशमेंट, यानी कि कोई भी सज़ा के काबिल होना. क्वेंट इज अट्रैक्टिवली ओल्ड फैशनड. क्विंट जो है वो होता है यानी कि काफ़ी ओल्ड फैशन, पुराना. रिगलेसी, डेबेड, स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, यानी कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं होना. सॉन्टर्ड, वॉक्ड इन अ लीजरली वे. लीजर का मतलब होता है फ्री, यानी कि वॉक्ड फ्रीली. सीमिंगली फ्रिवलस, अपेरेंटली सिली. हूएवर हर्ड ऑफ फ्रॉग इन वन्स प्लेट, यानी कि जो है वो अपेरेंटली जो है वो सिली करके मतलब होता है बेवकूफ़ होना. Tactician, one who uses tactics, clever means to create effect. यानी कि जो बहुत ज़्यादा वो अपना tactics, यानी कि अपने जो कहते हैं ना कि अपने चीज़ें अपने पैंथर जिसको कहते हैं कि tactics यूज़ करना, कि अपनी skills यूज़ करना, clever हो जाना, tactics, that's called tactician. Whence is from which place, यानी कि किसी place से, किस place से. Yield is given, यानी कि give up. So let's start with the story. The story basically is about a very naughty boy. Okay. The children, as usual, take a pencil while you watch the video, and your books should be open in front of you. Okay. Mark all the verbs and mark all the difficult words. The children were to be driven as a special treat to the sands at Jackboro. अच्छा, चिल्ड्रन यहाँ पे कुछ बच्चों का जिक्र है जो कि इनको लेके जाना था ड्रिवन, यानी कि ड्राइव का थर्ड फॉर्म है. ड्राइव टू ड्रिवन का मतलब किसी स्पेशल ट्रीट के लिए, यानी कि कोई स्पेशल इनको ट्रीट दी जा रही थी, इन बच्चों को ले जाया जा रहा था कहाँ पे, सैंस जैकबोरो, कोई जहाँ ऐसी जगह थी जो कोई जैसे कि रेतीली जगह होती है सैंस की, उसको कहते हैं जैकबोरो. वहाँ पर कोई प्लेस थी. निकोलस, ना निकोलस वॉज द नेम ऑफ द दैट बॉय. निकोलस वॉज नॉट टू बी ऑफ द party, he was in disgrace. अच्छा, निकोलस जो जिस बारे में ये जो ये स्टोरी है, actually he was a very mischievous child, so he had to not to be taken with the students or other children because he was in disgrace. यानी कि वो उसकी जो है वो disrespect की गई थी
डिसरिस्पेक्टफुली जो है या जिससे उसने कुछ ऐसी हरकत करी थी जिसकी वजह से उसको लेके जाना नहीं चाह रहा था. ओनली दैट मॉर्निंग ही हैड रिफ्यूज्ड टू ईट हिज ब्रेड एंड मिल्क ऑन द सीमिंगली फ्रिवोलस ग्राउंड दैट देयर वाज अ फ्रॉग इन इट. अच्छा हुआ क्या था, उसने क्यों उसको लेके जाना नहीं चाह रहे थे लोग, इसलिए कि बिल्कुल सेम मॉर्निंग व्हाट हैपेंड, ही रिफ्यूज्ड टू ईट हिज ब्रेकफास्ट. अच्छा उसने अपना ब्रेकफास्ट खाना जो है मना कर दिया था बिकॉज उसने एक सिली सी बड़ा एक ग्राउंड बनाया, सिली सी उसने एक चीज़ वो लेके बैठ गया कि उसके जो उसका जो ब्रेड एंड मिल्क है उसके अंदर जो है वो फ्रॉग है. ओल्डर एंड वाइजर एंड बेटर पीपल हैड टोल्ड हिम दैट देयर कुड नॉट पॉसिबली अ फ्रॉग इन हिज ब्रेड एंड मिल्क. अच्छा जो बड़े लोग थे और जो अकलमंद समझदार लोग थे उन्होंने ये कहा था कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि ब्रेड एंड मिल्क के अंदर कोई भी फ्रॉग हो. And he was not to talk nonsense, he continued. और वो कहते हैं कि मैं ये nonsense जो है वो बात नहीं कर रहा हूँ, उसने continue किया. Nevertheless, to talk what seemed to be nonsense and describe with much detail the color and markings of the alleged frog. ये जो कि nonsense लग रहा था ये सारी बातें, और लेकिन वो जो है इतनी what seemed to be nonsense describe with much detail, उसने वही काफ़ी डिटेल के साथ ये बताया था कि किस तरह की इसकी कलर्स हैं, वो फ्रॉक कैसा दिखता है, क्या उसकी मार्किंग्स हैं, क्या उसके कलर्स हैं, जिस फ्रॉक के बारे में बताया जा रहा था. द ड्रामेटिक पार्ट ऑफ द इंसिडेंट वॉज दैट देयर रियली वॉज अ फ्रॉक इन निकोलस बेसिन ऑफ ब्रेड एंड मिल्क. अच्छा ड्रामेटिक पार्ट क्या था, एक वाकई इंसिडेंट कहते हैं वाकई को, कि वाकई ही रियल में ही निकोलस के जो बेसिन था ब्रेड एंड मिल्क में उसमें वाकई में फ्रॉक था. ही हैड put it there himself, so he felt entitled to know something about it. क्योंकि वो उसको जानने का हक रखता था, because वो उसने खुद ही से डाला था, इसलिए he was very much sure about it. कहते yes, there was a frog in my bread and milk. The sin of taking a frog from the garden and putting it into a bowl of bread and milk was discussed at great length. But the fact that stood out clearest in the whole affair as it presented itself to the mind of Nicholas was that the older, wiser and better people had been proved to be profoundly wrong. अच्छा ये गुना यानी कि उसने एक सिन जो उसने किया था कि एक फ्रॉक को जो है उसने गार्डन से उठा के बोल में डाल दिया था, वो तो एक अलग बात है, वो तो एक बड़ी बात अब डिस्कस होगी ही, लेकिन बट क्या था उसके अलावा जो फैक्ट था, एक क्लियरेस्ट फ्लैश था कि इस सब चीज़ों में क्या था कि उसने अपने आप को क्या ये जाहिर किया कि जो भी जो बड़े थे और समझदार लोग थे वो उसने जो है वो एक्सट्रीमली उनको रॉन्ग कर दिया था, कि उन्होंने कहा था नहीं भाई इट्स नॉट पॉसिबल कि भाई यहाँ पर फ्रॉग हो, लेकिन वो अपनी जगह डटा हुआ था कि उसने फ्रॉग, क्योंकि उसने फ्रॉग खुद ही डाला था, तो उसने इस चीज़ को प्रूफ किया कि भाई जो जो बड़े और जो समझदार लोग हैं वो जो है वो रॉन्ग है, मतलब प्रोफाउंडली इज एक्सट्रीमली रॉन्ग. He said there couldn't possibly be a frog in my bread and milk. There was a frog in my bread and milk, he repeated with the insistence of a skilled tactician who does not intend to shift from favorable ground. अच्छा उसने ये कहा कि तुम तो कहते थे कि भाई मेरे bread and milk में frog नहीं होगा, फिर कहाँ से ये frog आ गया. अच्छा he kept repeating that ना, वो repeat करे जा रहा था और insist करते हैं, इसे जोर दे रहा था, जैसे कि एक बिल्कुल ही skilled tactician होता है, बिल्कुल एक skilled माहिर बंदा होता है कि जो अपने जो जो इसका जो ग्राउंड उसने अपना बना लिया था, यानी अपनी बात पे जो अड़ा हुआ था वो उस पे ही अड़ा हुआ था कि आपने कैसे इस चीज़ को मान लिया कि फ्रॉग नहीं था, फ्रॉग तो उसमें था. सो हिज बॉय कज़न एंड गर्ल कज़न एंड हिज क्वाइट अनइंटरेस्टिंग यंगर ब्रदर वर टू बी टेकन टू जैक पोर सैंड्स एट आफ्टरनून एंड ही वॉज टू स्टे एट होम. तो उसका एक कज़न, एक लड़का कज़न, एक लड़की कज़न और एक और जो है वो यंगर ब्रदर जो है अनइंटरेस्टिंग, यानी कि एक उसमें कोई इसको इंटरेस्ट नहीं था, वो उसका यंगर ब्रदर था, उस और सबको जो है वो जैक पोरो लेके जा रहे थे उस दोपहर में, बट उसको जो है वो उसी घर में रुकना था अपने घर में. हिज कज़न्स आंट हू इंसिस्टेड इन स्टार्लिंग हरसेल्फ हिज आंट आल्सो हैड हेस्टली इन्वेंटेड द जैक पोरो एक्सपेडिशन इन ऑर्डर टू इम्प्रेस ऑन निकोलस द डिलाइट्स दैट ही हैड जस्ट फॉरफीटेड बाय हिज डिसग्रेसफुल कंडक्ट एट द ब्रेकफास्ट. अच्छा उसकी जो कज़न की जो वो आंटी थी, जो अपने आप को भी वो आंटी के नाना उसको पसंद करती थी, अच्छा अच्छा लगता था उसको, उसने जल्दी जल्दी जो है वो जैक पोरो जाने का तो वह जो है वो प्रोग्राम बनाया था, और निकोलस पे वो ये तासुर कायम करना चाह रही थी कि सब लोग कितना मतलब खुश हैं कि देखो उसके इस हरकत की वजह से जो उसने जो है वो मिसबिहेव किया ब्रेकफास्ट टेबल पर, उसके इस कंडक्ट की वजह से जो है वो उसको लेके जो नहीं जा रहे बाकी सब लोग जा रहे हैं. इट वॉज़ अ हैबिट, अच्छा ये उसकी आदत थी, व्हेन एवर वन ऑफ द चिल्ड्रन फेल फ्रॉम ग्रेस टू इम्प्रोवाइज समथिंग ऑफ अ फेस्टिवल नेचर फ्रॉम व्हिच द ऑफेंडर वुड बी रिग्रेसली डिबेड इफ ऑल द चिल्ड्रन. अच्छा उसकी आदत क्या की कि जब भी कोई इस तरह से बच्चा काम करता था, कोई
मिसबिहेव करता था या इस तरह से कोई क्रेज से डाउन होने की कोई बात करता था, तो वो जल्दी जल्दी क्या इस तरह की चीज़ें जो है वो प्लान कर लेती थी. और जो ऑफेंडर होता था, यानी कि जो जिसने वो हरकत की होती, वो गलती की होती थी, उसको वो जाने की बिल्कुल भी वहाँ इजाज़त नहीं होती थी. इफ़ ऑल द चिल्ड्रन सिंड कलेक्टिवली दे वर सडनली इन्फॉर्म्ड ऑफ अ सर्कस इन अ नेबरिंग टाउन, अ सर्कस ऑफ अनराइवल्स मेरिट टू विच बट फॉर द डिप्रेविटी दे वुड हैव बीन टेकन दैट वेरी डे. अच्छा, जो अगर सारे बच्चों जो है एक साथ जो है वो कोई हरकत ऐसे करते थे कलेक्टिवली, जो ऐसी कोई नॉटी चीज़ करते थे या कोई मिसबिहेविंग वगैरह करते थे, तो उनको एक इन्फॉर्म किया जाता था एक सर्कस के में कि एक नेबरिंग टाउन में देखो एक सर्कस हो रहा है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, बहुत ज़बरदस्त सर्कस है, लेकिन तुम आप लोगों की गलती की वजह से आपको जो है हम लेके सर्कस में नहीं जा रहे. ठीक है. A few decent tears were looked for on the part of Nicholas when the moment of the departure of the expedition arrived. As a matter of fact, however, all the crying was done by his girl cousin, who scraped her knee rather painfully against the step of the carriage as she was scrambling in. जैसे ही जो उन सब लोग के जो है वो बाहर जाने का जो है वो टाइम आया, तो निकोलस के जो है कुछ जो है वो आंसू हैं वो निकल रहे थे कि जब वो लोग उसको छोड़ के वो सैंड बोर्ड जा रहे थे. और हुआ भी यही कि अच्छा वहाँ जो उसकी कज़न थी एक छोटी सी जो बच्ची थी वो जो है बहुत ज़्यादा रो रही थी उसके लिए. वो इसलिए रो रही थी बिकॉज उसका जो है वो अपना कैरेज में बग्घी पे चढ़ते हुए जो है वो उनका जो कार्ट था उस पर चढ़ते हुए उसके जो नी पे है वो खराश आ गई थी जब वो उस पर चढ़ रही थी, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा रो रही थी. How she did now, said Nicholas cheerfully. अच्छा, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था बिकॉज वो ही वॉज फीलिंग kind of jealous ना, बिकॉज ही वॉज इन गोइंग एंड रश ऑफ द कजन्स वर गोइंग, सो ही वॉज kind of फीलिंग jealous ऑफ इट. के तो वो बड़ा खुश था, उसने कहा कि हाउ शी डिड, हाउ मतलब इस तरह से कैसे हो गया, उसको कैसे चोट लगी. एज अ पारी ड्रोव ऑफ विदाउट एनी ऑफ द हाई स्पिरिट सच शुड हैव कैरेक्टराइज्ड, यानी कि जिस तरीके से पार्टी को जाना था काफ़ी ज़्यादा खुश था सब, उस तरीके से पार्टी जो है अभी नहीं होगी बिकॉज उस बच्ची को जो चोट लगी थी एंड शी वॉज क्राइंग. She'll soon get over that, said the self-styled aunt. अच्छा, वो जो आंटी थी इनकी, उन्होंने कहा कि ये जो है वो जल्दी से ठीक हो जाएगी. It'll be a glorious afternoon for racing about over those beautiful sands. How they will enjoy themselves. उसने कहा तो ये बड़ा glorious, बड़ा जो है वो interesting सा, बड़ा enjoyable जो होगा ये afternoon हमारा, वहाँ पे जो है हम लोग चलते हुए जाएंगे sands पे, जो खूबसूरत सी वहाँ पे sands है, जो रेत है, और सब काफ़ी लोग जो सब हैं वो इसको काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करेंगे. Bobby won't enjoy himself much and he won't race much either, said Nicholas with a grim chuckle. His boots are hurting him, they're too tight. अच्छा, उसने फिर कहा, उसने जब कहा कि आज जो उनकी आंट थी वो इससे तो कुछ बहल ही नहीं, उसने कहा कि बॉबी भी जो है वो ही विल नॉट गोइंग टू इन्जॉय बिकॉज एंड ही विल नॉट गोइंग टू रेस मच. तो उसने ग्रिम चकल कहते हैं बहुत ही हल्का सा हंसना, ठीक है, यानी कि ना वो यू कैन से कि वो एक टोन कर रहा हो उसको, टीजिंग कर रहा हो उसको ना. तो उसने कहा कि उसके जो बूट्स हैं उसको हर्ट कर रहे हैं, हम काफ़ी ज़्यादा टाइट हैं. Why didn't he tell me that they were hurting? asked the aunt. उसने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो हर्ट कर रहा है. He told you twice, but you weren't listening. You often don't listen when we tell you important things. उसने कहा कि उसने तुम्हें दो दफ़ा बताया आंटी, लेकिन तुमने उसकी बात को सुना कब है, और तुम वैसे भी सुनती कहाँ हो, इतनी सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स हम जब बात करते हैं तो आप हमारी कहाँ सुनती हैं. You are not to go into the gooseberry garden, said the aunt, change the subject. अच्छा, उसकी aunt ने क्या कहा कि ये तो बड़ा नोटिस आया और ये जो है, तो उसने क्या किया, उसने she changed the subject and she said कि now you are not allowed to go to the gooseberry garden. Gooseberry जो होता है एक फ्रूट होता है grapes की तरह, उसके गार्डन में उसने जाने को मना किया. Why not? demanded Nicholas. Nicholas ने कहा कि मैं क्यों नहीं जा सकता. Because you are in disgrace, said the aunt loftily. अच्छा, loftily is proudly. aunt ने बड़ी proudly कहा कि तुम क्योंकि सजा में हो और तुमने जो है मिसबिहेव किया है, डिसरिस्पेक्ट किया है, तो यू कैन नॉट गो देयर. निकोलस फेल परफेक्टली केपेबल ऑफ बीइंग डिस्ग्रेस्ड इन गूसबेरी गार्डन एट द सेम मोमेंट. अच्छा, निकोलस जो है वो काफ़ी अपने आप को केपेबल समझता था बिल्कुल कि मैं जो इस डिस्ग्रेस में भी वहाँ पे जा सकता हूँ गूसबेरी गार्डन में. ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट. हिज फेस टुक ऑन एन एक्सप्रेशन ऑफ कंसिडरेबल ऑब्स्टिनेसी, यानी कि वो एक तरीके से अपनी जिद पे अड़ा हुआ था कि मैंने जाना ही जाना है. इट वॉज क्लियर टू हिज आन दैट ही वॉज डिटरमिन्ड टू गेट इनटू द गूसबेरी गार्डन. अच्छा, उसकी आन को भी ये बात मालूम थी कि वो जो है अपने में काफ़ी श्योर है कि भाई उसने गूसबेरी गार्डन वो जाएगा. ओनली एज शी रिमार्क टू हरसेल्फ बिकॉज आई हैव टोल्ड हिम ही इज नॉट टू. लेकिन सिर्फ उसने क्यों इस तरह को इस तरह से इस चीज़ को रिमार्क किया ताकि
उसने तक, क्योंकि वो उसको जो है वो बता चुकी थी कि तुमने ऐसा नहीं करना है और तुमने जो गूसबेरी जो गार्डन है वहाँ पे नहीं जाना, बिकॉज यू आर इन अ पनिशमेंट. ठीक है, सो दिस वॉज द एंड ऑफ द पार्ट वन. थोड़ा सा ज़रा टफ सी इसकी इंग्लिश है, यू नो कि बिकॉज ऑक्सफर्ड की इंग्लिश में थोड़े से टफ वर्ड्स होते हैं, काफ़ी मुश्किल होता है आपके समझने के लिए. बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, और मैं हमेशा ही ट्राई करती हूँ कि आप लोग उसको चैप्टर को अच्छे से समझ जाए करो. दैट्स वाई आई गो वर्ड टू वर्ड फॉर मीनिंग्स और डिटेल एक्सप्लेनेशन उर्दू में आप ही करती हूँ, ताकि आप इसको अच्छे से समझ लो कि बेसिकली जो चैप्टर्स हैं वट एवर जो भी है वो है किस चीज़ के बारे में. सो होपफुली मस्ट हैव अंडरस्टूड वेरी वेरी वेल. सो इसके अंदर जो मैंने अंडरलाइन किए वर्ड्स उसको अंडरलाइन कर लेना. एंड रीडिंग्स बहुत ही जो उसके डायलॉग्स हैं, पार्ट ऑफ स्पीच है, उसका बहुत ख्याल रखना वाइल यू डिलीवरिंग. टुमारो इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग इन अ क्लास. सी यू देन इंशाल्लाह. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.